सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आपके पास ओप्पो K10 मोबाइल है और आप उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का जो डायलर है उसको ओपन कर लेना है, यानी कि डायल फोन को आपको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ऊपर की साइड में आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक थ्री डॉट लाइन दिख रही है, तो आपको थ्री डॉटेड लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का, तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है आपको नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी नंबर आपके फ़ोन में फिट नहीं होंगे, सेव नहीं होंगे, उन सारे नंबरों की यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि अननोन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सिलेक्टेड नंबर, तो आपको सिलेक्टेड नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे चूज ए कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके आ जाएंगे। उनमें से जिस भी नंबर को आप यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर दीजिए, बस आपका ये वाला भी ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी नंबर की जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और साथ ही साथ जो अननोन नंबर है उनकी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सारे नंबरों की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।